हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसे हम समोसे, कचौड़ी, ढोकला, पापड़ी चाट, दही बल्ले सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें एक छोटी चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें एक चुटकी हींग डालें और साथ ही आधा कप इमली का पल्प डाल दें। इमली की पल्प आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर घर में ही बना सकते हैं। इमली की पल्प बनाने के लिए हमें इमली को 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आप इसे हाथों की मदद से मैश करके इसका पल्प निकाल लें। यहाँ पर हमने आधा कप पल्प यूज़ किया है। इसे 5 मिनट तक चला लें। 5 मिनट बाद इसमें आधा कप चीनी डाल दें। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं और आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी खुलने तक इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चीनी खुल जाने के बाद इसमें मार्केट जैसी कलर के लिए एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, आधा छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच काला नमक और एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालें। अब इन सारी चीज़ों को डालकर इसे मिला लें। मसालों के साथ इसे 3 से 4 मिनट तक भून लें। अगर आपको लगे चटनी ठीक हो गई है तो आप इसमें थोड़ी सी पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि चटनी ठंडा होने के बाद ठीक हो जाती है। पानी डालने के बाद इसे और 2-3 मिनट तक पका लें। इसे आप किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में 2 से 3 वीक तक रखकर खा सकते हैं। देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए और चाट, समोसा, ढोकला, कचौड़ी, पापड़ी चाट, दही वड़ा इन सभी चीज़ों के साथ इंजॉय कीजिए।